जेन फ्रेंड्स, क्या बोर्ड एग्जाम 2023 का दिए हुए हैं और आप फेल हो गए हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए हम लेकर आ गए हैं कंपार्टमेंट के फॉर्म संबंधित सारी बातें, जो आपको हम बताएंगे दोस्तों कुछ ही मिनटों में सारी बातें। इसमें दोस्तों हम आपको बताने आए हैं कि आपका कंपार्टमेंट फॉर्म कब आएगा। बच्चों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर कंपार्टमेंट का फॉर्म कब आएगा, साथ ही साथ बच्चे पूछ रहे थे सर फॉर्म कितने सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। बच्चों का यह भी कमेंट था कि सर बताइए 10वीं या 12वीं वाले डाल सकते हैं फॉर्म। तो हम आपको सारी बातें बताएंगे। और यह भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर पेपर जो हमारा आएगा वह आसान आएगा कि टफ आएगा, यानी आप सबको ये डाउट है कि सर हमारा पेपर कठिन तो नहीं आएगा या आसान तो नहीं आएगा, ऐसी बातें। और कुछ बच्चों का कमेंट है सर फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कंपार्टमेंट फॉर्म संबंधित, और साथ ही साथ आपको इसका प्रोसेस भी बताएंगे कैसे आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक बातें आपको बताएंगे, बस वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ देखिएगा पहला ही पॉइंट यहाँ दोस्तों क्या है, फॉर्म कितने सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में डाल सकते हो। वो बच्चे ही डाल पाएंगे जो एक सब्जेक्ट में फेल होंगे। जो बच्चे पास होंगे उनका नंबर कम थोड़ा होगा, यानी 33 नंबर से अधिक पाए होंगे मार्क्स, तो वो बच्चे बिल्कुल फॉर्म इसका नहीं डाल सकते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ स्कूटी का चांस है। जो बच्चे बस फेल हैं, केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं, वही डाल सकते हैं। एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल है तो कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूटनी का फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये 10वीं के लिए है कि 12वीं के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब में जो बच्चे 10वीं में हैं उनके लिए कंपार्टमेंट का फॉर्म बोला जाता है, जो 12वीं में है वो इसको इम्प्रूवमेंट का फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों बात हुई। अब बात बता दें आप सबको कि कौन सा बच्चा डाल सकता है। तो दोनों बच्चे डाल सकते हैं कंपार्टमेंट का फॉर्म, दोनों बच्चे डाल सकते हैं, 10वीं वाले भी 12वीं वाले भी, ठीक है। बस यही है कि 10वीं वाले कंपार्टमेंट बोलते हैं, 12वीं वाले इम्प्रूवमेंट का फॉर्म बोलते हैं, बस इतना ही फर्क है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये है, अब बात करेंगे पेपर कैसा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर जो है, जो आपका पैटर्न था, ठीक है, जो आपका पैटर्न था पेपर हुआ था, सेम वही पैटर्न आने वाला है। बस यही होगा कि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए कि क्योंकि बोर्ड भी जानता है, जो एग्जामिनर भी है वो भी जानता है कि आप कितने अच्छे से पढ़े हो। क्योंकि यदि आप पढ़े ही होते, यदि आप पढ़ने में तेजी होते तो आप तो फेल तो होते नहीं ना। आपकी रिवीजन यदि अच्छी रही होती तो आप तो अच्छे से पास हो गए होते। तो बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल, बोर्ड यही समझता है कि जो बच्चे हैं वो थोड़ा कमज़ोर हैं, उनको थोड़ा आसान क्वेश्चन बना के दे। तो प्यारे बच्चों, आप सबको आसान आसान सा क्वेश्चन मिलेगा, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा लास्ट पॉइंट जो है, इसमें बच्चे कमेंट कर किए थे सर कितना पैसा लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रीवियस ईयर में देखा गया कि 500 का कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा जा रहा था, स्कूटनी का फॉर्म 306 रुपये में भरा जा रहा था, लेकिन इस बार स्कूटनी का फॉर्म 306 रुपये से बढ़कर 500 रुपये कर दिया गया। तो कंपार्टमेंट का फॉर्म जो 500 रुपये पिछले साल था, तो इस बार थोड़ा सा अधिक तो हो ही सकता है। मिनिमम 500 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम आपका 600-700 हो सकता है। अभी फॉर्म आने दीजिए, तभी क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करें कि फॉर्म कब आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अभी तक तो फॉर्म आया नहीं है और 5 दिनों का छुट्टी मना लिया है, बिल्कुल सभी कार्यालय बंद है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला जी बिल्कुल बंद करवा दिए हैं सभी कार्यालय को, ठीक है, 5 दिन के लिए। तो प्यारे बच्चों, 5 दिन आपका कार्यालय बंद रहेगा। आप सब बिल्कुल जान सकते हैं, सुन सकते हैं कि आपको बता दें 5 दिन बंद रहेगा। आपका मंडे को खुलेगा कार्यालय, तो आपको ट्यूसडे, वेनसडे या दोस्तों मई के फर्स्ट वीक तक आपका 100% आ ही जाएगा। मई का फर्स्ट वीक आपके लिए बिल्कुल दोस्तों होगा। आप सब बिल्कुल पूरा फॉर्म डाल दीजिएगा कंपार्टमेंट का, जिन बच्चों का बिल्कुल छूटा हुआ है या फिर जो फेल हो गए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, आप सबको इसको कैसा फॉर्म भरना है, मतलब कैसे इसको फॉर्म को फिलअप करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे स्कूटनी का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, सेम वही पैटर्न होने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आपको बिल्कुल भरना है। बस दोस्तों आप सब क्या करना है, जाके साइबर कैफे से, अपने नज़दीकी साइबर कैफे से चालान फॉर्म डाउनलोड करवाइएगा, उसको भर के बैंक में चले जाइएगा। इसका जो भी कंपार्टमेंट का चालान का पैसा होगा उसको जमा कर दिएगा, वहाँ कोषागार में वो बैंक वाले जमा कर देंगे, उसके बाद चालान फॉर्म बना के आपको दे देंगे। तो आप लाइएगा, फिर से ऑनलाइन करिएगा, तो चालान फॉर्म में आपको एक चालान नंबर होगा, वही आपको फॉर्म भरते हुए जरूरत पड़ती है। फॉर्म भरते वक्त टाइम आप वही क्या करिएगा, फॉर्म भरते टाइम चालान नंबर डाल के आराम से आप सब क्या करिएगा, अपने जो वहाँ से रिसीविंग मिलेगा, कौन सा रिसीविंग, चालान फॉर्म का तो बैंक से मिला था वो, और एक जो आप फॉर्म भरवाएंगे तो उसका भी रिसीविंग निकलता है, उन दोनों का बिल्कुल आप सब क्या करिएगा कि उसका फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। उसके बाद एक जो है आप सब बिल्कुल
एक सब्जेक्ट जो है उसका, सॉरी, एक फोटोकॉपी करा लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, और एक अपने स्कूल में भेज दीजिएगा जो आपका स्कूल है जिसमें आप एडमिशन कराए थे। उसके बाद आप सब क्या करिएगा कि उसका जो आप स्कूल में रखेंगे उसका तो ठीक है, स्कूल वालों के पास रिकॉर्ड रहेगा, और एक अपने पास भी रखिएगा जिससे कि आप सब बिल्कुल बाद में मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो आप सब दिखा सके कि हमने भरा था। बिल्कुल इस तरह से आप सब क्या करिएगा, फॉर्म को फिलअप कराइएगा। और भी सारा डिटेल, कुछ भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम होती है डिटेल जानने के लिए, बिल्कुल व्हाट्सअप का नंबर हम दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप सब जाकर वहाँ से बिल्कुल उस पर चैटिंग करिएगा। बिल्कुल प्लीज़ कॉल मत करिएगा, कॉल बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा आप सबका, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चों का कमेंट का रिप्लाई देना पड़ता है, इसलिए आप सब परेशान न होइएगा। बिल्कुल आप सब उसी पर मिलिएगा, आपको सारी बातें हम आपको बताएंगे, बिल्कुल मैसेज करिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए दोस्तों, बस इसके बदले में आप सब बस एक बड़ा सा लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे दोस्तों आप सबको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सबको पूरा अपडेट मिलता रहे, कब आएगा फॉर्म, कैसे भरना है, सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।